From today onward, let's start the fresh session. हम physical chemistry का पहला chapter आज से मैं पढ़ाना start करता हूँ. And I'll start the chapter solution. Solution chapter से मैं physical chemistry का यह 12th का session start कर रहा हूँ. देखिए, as I had already told you in the last year that matter exists in three physical state. कोई सा भी matter है, it either exists in gaseous state, or it exists in liquid state, or it exists in solid state. Gaseous state के बारे में हमने detail में 11th standard में पढ़ रखा है. The behavior of gaseous state, उससे related हमने Boyle's लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, यह सारे लॉ से हमने बिहेवियर ऑफ गैसियस स्टेट को समझा था 11th स्टैंडर्ड. नंबर 12th स्टैंडर्ड विल स्टडी अबाउट द लिक्विड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट. लिक्विड स्टेट के बारे में और लिक्विड स्टेट के बिहेवियर के बारे में हम इस चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे डिटेल. देखिए, वंस अगेन एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा आसान है. एक बार बड़े ध्यान से सारे कंसेप्ट को सुना जाए, मेरे पढ़ाते हुए नोट्स बनाए जाए और साइमल्टेनियसली शीट्स और पैकेज को सॉल्व करा जाए. खास बात, यह चैप्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपसे प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे. एक बार बड़े ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आप प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से कर पाओगे. और एक बार पूरा पूरा पैकेज कर लिया तो किसी भी तरह की आप एग्जामिनेशन में अपीयर करो, आप सवाल का जवाब अवश्य देकर आओगे. इट मे बी बोर्ड एग्जामिनेशन, इट मे बी IIT JEE, इट मे बी AIEEE. इस पर से पूछा जाने वाला सवाल जनरली आसान सवाल होता है और उस सवाल को करने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि आपने सवाल चैप्टर की थ्योरी को बड़े ध्यान से सुन रखा है, समझ रखा है और दिया गया असाइनमेंट को आपने प्रॉपरली सॉल्व भी कर रखा है. यदि सिर्फ इतना करते हो तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको समझ में नहीं आया या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं. इट्स एन इजी चैप्टर. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन. इट्स होमोजेनस मिक्सचर. अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, वी एड सुगर इन वॉटर. हम पानी के अंदर शक्कर डालें. वॉटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सुगर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. मगर जब शक्कर को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, व्हेन वी ऐड सुगर इन वाटर, वो सुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और वहां पर जो रिजल्टिंग बनता है वो पूरी तरह से एक लिक्विड स्टेट में बन जाता है. वहां पर शक्कर का सॉलिड स्टेट डिसअपीयर हो जाता है. सच अ होमोजेनस मिक्सचर इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन. Means, example is sugar plus water. We used to say the air all around us is also a solution. इसमें oxygen और nitrogen आपस में पूरी तरह से मिली हुई है, एक homogeneous mixture बना हुआ. For example, the water vapor dissolved in air. Humid air, this is also a solution. Water liquid state में exist करता है, air gaseous state में है. Water evaporate हो जाता है, gaseous state में आ जाता है और हवा के साथ पूरी तरह से मिल जाता है, एक homogeneous mixture बन गया. We used to say a solution, the component of solution cannot be separated by simple physical method. आप simple hand picking के द्वारा इन्हें separate नहीं कर सकते. But they may be separated by complex physical methods.
फिजिकल मेथड, कॉम्प्लेक्स फिजिकल मेथड्स एम्प्लॉय करके हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. नाउ अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज बाइनरी इफ इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. अ बाइनरी सॉल्यूशन मींस एनी सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. किसी भी सॉल्यूशन में यदि दो कंपोनेंट्स है तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे. व्हाइल अ सॉल्यूशन इज सेट टू बी टर्नरी इफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट. अ टर्नरी सॉल्यूशन, यदि किसी भी प्रॉब्लम में टर्नरी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मतलब समझ जाइए कि वहां पर तीन कंपोनेंट्स हैं. एंड अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज क्वार्टरनरी इफ इट कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट. अ क्वार्टरनरी सॉल्यूशन का मतलब होएगा कि उस सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट है. व्हाइल प्रैक्टिकली अ सॉल्यूशन मे कंटेन एन कंपोनेंट, जैसे कि यदि हम बात करें फ्रूटी की या एप्पी की या पेप्सी की या कोका कोला की, ऑल दिस आर सॉल्यूशन एंड दे कंटेन नंबर ऑफ कंपोनेंट, दे कंटेन एन कंपोनेंट्स. अब खास बात, प्रैक्टिकली हमारे पास कैसा भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन मे कंसिस्ट ऑफ एन कंपोनेंट, इट मे कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट और थ्री कंपोनेंट, बट कंप्लीट थ्योरी विल डील विल स्टडी विथ बाइनरी सॉल्यूशन. मैं सारी थ्योरी बाइनरी सॉल्यूशन को एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, और जितने भी कंसेप्ट और फंडामेंटल्स मैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए समझा रहा हूं, आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं कंसेप्ट उन्हीं फंडामेंटल्स को आप टर्नरी क्वार्टरनरी या एंड कंपोनेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे. देखिए अ बाइनरी सॉल्यूशन, जैसा मैंने बताया, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. एक कंपोनेंट को जनरली सॉल्यूट कहा जाता है और एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाता है. बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहा जाएगा और एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाएगा. किसे सॉल्यूट कहें, किसे सॉल्वेंट कहें, इसे कंसेप्चुलाइज करने के लिए हम सिर्फ एक साधारण सी बात बोलते हैं कि जब हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, दो कंपोनेंट को मिलाकर उनका एक मिक्सचर बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उन दोनों कंपोनेंट में से जनरली एक कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और एक कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है. जो कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी बनाए रखे, द कंपोनेंट विच रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी वुड बी टर्म्ड एज सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी वुड बी टर्म्ड एज सॉल्यूट. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने शक्कर और वॉटर को मिलाया, जब मैंने शुगर और वॉटर को मिलाया, नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन. शक्कर का सॉलिड स्टेट, शक्कर का वह कलर, दैट डिसअपीयर्स. सॉलिड स्टेट ऑफ सुगर डिसअपीयर्स, द कलर ऑफ सुगर डिसअपीयर्स, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सुगर डिसअपीयर्स, सुगर लूजेस इट्स आइडेंटिटी. इन दिस केस सुगर वुड बी कॉल्ड अ सॉल्यूट, व्हाइल वाटर रिटेन इट्स आइडेंटिटी. वहां जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है वह लिक्विड स्टेट में ही होता है. वाटर ने अपनी पहचान वहां पर बनाए रखी है, अपनी आइडेंटिटी वहां पर बनाए रखी है. वाटर वुड बी टर्म्ड एज सॉल्वेंट. हम कहते हैं अ बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन ऑफ द कंपोनेंट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, दैट वुड बी टर्म्ड एज सॉल्यूट,
एंड अनदर कंपोनेंट विच रिटेन इट्स आइडेंटिटी वुड बी टर्म्ड एज सॉल्वेंट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे. अब सॉल्यूट मे एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट. इट मे बी आइदर सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस. सिमिलरली सॉल्वेंट मे ऑल्सो एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट. सॉल्वेंट भी तीन फिजिकल स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वी हैव नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. मैं इस जगह पर सॉल्यूट लिखता हूं, इस जगह पर सॉल्वेंट लिखता हूं और इस जगह पर उसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सॉल्वेंट इज अ गैस, जब सॉल्वेंट गैस है, यदि सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. गैस डिजॉल्व इन गैस. द एग्जाम्पल इज एयर मिक्सचर, एयर ऑल अराउंड अस. जितने भी गैस मिक्सचर्स है, जितने भी एयर है या हाइड्रोजन इन मिथेन या मिथेन इन हाइड्रोजन या वाटर गैस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस डिजॉल्व इन गैस. एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट करना इतना आसान नहीं है. इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब इस जगह पर आप चाहें तो सॉल्यूट ऑक्सीजन को कह दे और सॉल्वेंट नाइट्रोजन को कह दे, इस आधार पर कि नाइट्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम. लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, ह्यूमिड एयर. ह्यूमिड एयर हम अच्छी तरह से जानते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यह वाटर इवापोरेट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वह वाटर वेपर हवा में यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है. वाटर ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, अपना लिक्विड स्टेट लूज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी, इसलिए वाटर को सॉल्यूट कहेंगे. और वह वाटर अपनी आइडेंटिटी लूज करके हवा में घुल गया, मिल गया, वह ह्यूमिड एयर बना गया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डिजॉल्व इन गैस. सॉलिड डिजॉल्व इन गैस, धुआं, स्मोक, डस्ट, डस्टी एयर. स्मोक में, धुएं में सॉलिड चारकोल पार्टिकल्स या सॉलिड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स गैस में डिसॉल्व हो जाते हैं. उस सॉलिड की आइडेंटिटी लूज हो जाती है और गैस की आइडेंटिटी वहां बनी रहती है. दैट इज स्मोक. स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन गैस. ऑल दिस आर द गैशियस सॉल्यूशन. इन तीनों सॉल्यूशन को हम गैशियस सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज द फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज गैशियस स्टेट. इसलिए हम इन्हें गैशियस सॉल्यूशन कहेंगे. गैस डिसॉल्व इन गैस, लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, सॉलिड डिसॉल्व इन गैस. वी मे हैव लिक्विड सॉल्यूशंस. लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन तरह के हो जाएंगे, आइदर गैस डिसॉल्व इन लिक्विड और लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड और सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, लिमका, पेप्सी, कोका कोला, एनी एरेटेड ड्रिंक, शैंपेन, बियर, ऑल दिस आर द एग्जांपल ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड. इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यह सभी गैसेस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है. फाइनल फिजिकल स्टेट उसका लिक्विड रहता, इसलिए सॉल्वेंट हम लिक्विड को ही कहेंगे, जबकि सॉल्यूट
वह सभी गैसेस कहलाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बिकॉज दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी. एनी एरेटेड ड्रिंक, एनी एरेटेड ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. गैस इज ऑल इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, देयर आर एग्जाम्पल. दूध में पानी, वाटर इन अल्कोहल, या फिर बेंजीन में पेट्रोल, या पेट्रोल में केरोसिन, डीजल में केरोसिन, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड. मिल्क प्लस सॉलिड इन लिक्विड, अ ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. हम इन्हें लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज द फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लिक्विड स्टेट. दैट वी मे हैव सॉलिड सॉल्वेंट, वी मे हैव सॉलिड सॉल्वेंट, और यदि सॉलिड सॉल्वेंट होता है तो वन सके सॉल्यूट तीन फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं. सॉल्यूट मे एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, इट मे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और इट मे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब ओवर प्लेटिनम एंड पैलेडियम. प्लेटिनम पैलेडियम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर यदि हाइड्रोजन गैस पास की जाए तो हाइड्रोजन गैस उस प्लेटिनम पैलेडियम के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती. हाइड्रोजन अपनी आइडेंटिटी गवा देती, अपनी गैसियस स्टेट वाली आइडेंटिटी गवा देती है, सॉलिड के ऊपर डिपॉजिट. सो द सॉल्यूट इज हाइड्रोजन एंड द सॉल्वेंट इज दैट प्लेटिनम पैलेडियम और द ब्लिस्टर कॉपर. डू यू नो व्हाट इज द ब्लिस्टर कॉपर? कॉपर मेटल डिजॉल्व विथ ऑक्सीजन गैस. कॉपर मेटल के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस डिजॉल्व इन हाइड्रोजन, गैस डिजॉल्व इन एनी सॉलिड, हाइड्रोजन डिजॉल्व इन प्लेटिनम पैलेडियम. लिक्विड इन सॉलिड, ऑल द एमालगम्स, जितने भी एमालगम्स हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एंड दिस मेटल मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल मर्क्यूरी फॉर्म्स एमालगम विथ ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स. ये हर मेटल में डिजॉल्व होती है. वी हैव गॉट गोल्ड एमालगम. एमालगम मीन्स मर्क्यूरी डिजॉल्व इन एनीथिंग. एमालगम का मतलब होता है मर्क्यूरी डिजॉल्व इन एनीथिंग. एमालगम, मर्क्यूरी डिजॉल्व इन एनीथिंग. वी हैव गॉट गोल्ड एमालगम, सिल्वर एमालगम, सोडियम एमालगम, कॉपर एमालगम, एल्यूमिनियम एमालगम, मैग्नीशियम एमालगम. हर मेटल का मर्क्यूरी के साथ एमालगम बनता है. मर्क्यूरी मेटल में डिजॉल्व हो जाती है और लिक्विड मर्क्यूरी मेटल में डिजॉल्व होकर सॉलिड स्टेट में दिखने लगती है. द फाइनल फिजिकल स्टेट इज अ सॉलिड जो कि मेटल का होता है. इसीलिए जो सॉल्वेंट है वो मेटल कहलाएगा और जो सॉल्यूट है वो मर्क्यूरी कहलाएगी, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में थी, वो उसमें डिजॉल्व हो गई. इधर एक जानकारी मैं जरूर दे दूं, मर्क्यूरी फॉर्म्स एमालगम विथ ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट वन. विच वन? डू एनीबडी नो? मर्क्यूरी डज नॉट फॉर्म एमालगम विथ ओनली वन मेटल एंड दैट इज आयन. मर्क्यूरी आयन के साथ कोई एमालगम नहीं बनाती है. मर्क्यूरी आयन में डिजॉल्व नहीं होती है. आयन के अलावा बाकी सभी मेटल के साथ में मर्क्यूरी एमालगम बनाती है.
इसीलिए मर्क्यूरी को किसी भी मेटल के बॉक्स में स्टोर आसानी से नहीं करा जा सकता. मर्क्यूरी इज ऑलवेज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन आयन वेसल ओनली. आप एल्यूमिनियम के बर्तन में मर्क्यूरी को स्टोर नहीं कर सकते, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. आप एल्यूमिनियम के बर्तन में मर्क्यूरी को डालोगे, लिक्विड मर्क्यूरी है वो, उसमें स्टोर होने के बजाय उसी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और वो मर्क्यूरी बेकार हो जाएगी. यदि आपको मर्क्यूरी को स्टोर करना है, यदि आपको मर्क्यूरी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको कंपल्सरीली लोहे का वेसल ही, आयन का वेसल ही बनाना पड़ेगा. इसके अलावा मर्क्यूरी को कांच में, ग्लास के वेसल में भी स्टोर करा जा सकता है, मगर ग्लास के वेसल में सिर्फ स्टोर ही करा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके टूटने का खतरा बना रहेगा. यदि आपको मर्क्यूरी को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप हमेशा आयन वेसल में ही उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. ऑल द एलॉय, जितने भी एलॉय है, ब्रोंज, गन मेटल, बेल मेटल, ड्यूरेलियम, मैग्नेलियम, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. ब्रोंज की बात करें, कॉपर डिसॉल्व्ड इन जिंक और जिंक डिसॉल्व्ड इन कॉपर, दोनों सॉलिड है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक एलॉय बना लेते हैं, और उस एलॉय में से कॉपर और जिंक को आसानी से सेपरेट नहीं करा जा सकता. एलॉय आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड. इस तरह से 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं. पहले 3 को हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं, अगले 3 को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, और जो आखिरी के 3 लिखे हुए हैं, दे आर टर्म्ड एज सॉलिड सॉल्यूशन. अब इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें कोई मतलब नहीं है गैसियस सॉल्यूशन से, हमें कोई मतलब नहीं है सॉलिड सॉल्यूशन से. इस चैप्टर को पढ़ते समय विल स्टडी इन डिटेल अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन ओनली. गैसियस सॉल्यूशन के बारे में आपने गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ पढ़ते समय उसके बिहेवियर को समझ लिया. सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे. 12th में ही अगला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां पर आप सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे. इस चैप्टर को पढ़ाते समय, सॉल्यूशन पढ़ाते समय, मुझे मतलब है सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन, और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा. विल स्टडी हाउ गैस डिसॉल्व्स इन लिक्विड, हाउ लिक्विड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, हाउ सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, एंड आफ्टर देयर डिसॉल्यूशन फिनोमेना, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दैट सॉल्यूशन, व्हाट आर द चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सॉल्यूशन, और हम खासकर केमिकल चेंज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे. हम खासकर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन के फिजिकल बिहेवियर की चर्चा करेंगे, फिजिकल चेंज की चर्चा करेंगे. एक एक करके मैं इन तीनों सॉल्यूशन के फॉर्मेशन को समझाऊंगा. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, देन विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड.